5.2 पढ़ रहे हैं अपन। कौन सी पढ़ रहे हैं? 5.2। और प्रश्न संख्या कहाँ तक आप लोगों ने कर लिए? 11 तक कंप्लीट है ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी के? लड़कियों में कंप्लीट है? ओके, अब कौन सा पूछना है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछना है, ठीक है ना? ओके, अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना? ध्यान से देखने की कोशिश करना, एक बार समझ जाओगे तो फिर आसान हो जाएगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्वान्तर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वान्तर समान है, ठीक है? यहाँ तक समझेंगे। समांतर श्रेणियाँ कितनी हैं? दो है, लेकिन दोनों का जो सार्वान्तर है वो समान है, समझ रहे हो? पहली समांतर श्रेणी का सार्वान्तर जो भी है वही दूसरी का है। अब सार्वान्तर के अलावा किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है, पदों की संख्या होती है, और सार्वान्तर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि केवल दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वान्तर है वो समान है, प्रथम पद और पदों की संख्या समान नहीं है। ये समझने वाली बात है। आगे पढ़ो। इनके 100वें पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का अंतर, 100 है, अंतर का मतलब माइनस, अगर योग होता तो फिर प्लस मानते। इनके 100वें पदों का अंतर मतलब पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी के 100वें पद को अगर हम घटा दें तो अंतर कितना आएगा? 100। ये दिया हुआ है हमें प्रश्न में। और पूछ क्या रहा है? इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है? हाँ, ये पूछ रहा है। तो देखो, तो मान लेते हैं कि माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है, ये मान लिया अपन ने, ठीक है ना? पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो ऐसे लिखते हैं तो ए ही माना। अब अगर दूसरी को भी अपन स्मॉल ए ही मान लेते प्रथम पद को, तो फिर तो दोनों ही समान हो गए ना। पहली का भी स्मॉल है, दूसरी का भी स्मॉल है, तो समान हो गया। प्रश्न तो कह रहा है कि समान तो केवल सार्वान्तर है और समान नहीं, नहीं है। तो अब यहाँ देखो, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हमने स्मॉल ए कहा है और दूसरी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हमने कैपिटल ए कहा है। अब दोनों अलग अलग हो गए। अब दिया क्या है? दिया है दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान डी माना, डी मान लेते हैं, ठीक है ना? दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, समान है, तो पहली का भी डी हो गया, दूसरी का भी डी हो गया, ये मान लिया हमने, ठीक है? अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है। प्रश्न क्या कह रहा है? इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। अंतर बराबर 100। अब मुझे बताओ, आप पहली श्रेणी के प्रथम पद को किससे लिख रखा है हमने? स्मॉल ए से। तो उसके 100वें पद को किससे लिखेंगे? ए 100, स्मॉल ए के नीचे 100 लगा देंगे ना। ये तो हो गया पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद। अब दूसरी समांतर श्रेणी के 100वें पद को किससे लिखेंगे? कैपिटल ए और नीचे 100 लगा देंगे। ये दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद हो गया। अब दोनों का अंतर, अंतर मतलब बराबर 100। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बैठ गई मतलब आगे हो गया। अब देखो, ए 100 को क्या लिखेंगे अपन? स्मॉल ए प्लस 99 डी। ये किसको लिखा हमने? ए 100 को। फिर माइनस
अब इसमें देखो कैपिटल ए आएगा, ठीक है ना, तो कैपिटल ए प्लस नन्यानमडी, और ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये जो माइनस है सिर्फ एक के आगे ही रह जाएगा, और ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये माइनस दोनों पदों के आगे है। बराबर में कितना चलेगा? 100 चलेगा, सार्वंतर दोनों का समान है ही सही। अब देखो सोल्व कर लो, ए प्लस का नन्यानवे डी, अब ये जो माइनस है ना वो मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, ध्यान से देखना। ए के आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस का है, क्योंकि ए यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ब्रैकेट से अंदर स्टार्ट हो रहा है, तो ए के आगे का चिन्ह ये नहीं माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा? इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है, तो ये माइनस उस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस, और फिर ए, फिर माइनस प्लस से तो माइनस, और फिर 99 डी, ठीक है ना, बराबर 100 हो गया। अब देखो 99 डी माइनस का है, 99 डी कट सकता है क्या? कट सकता है तो काट दो, इनका खेल खत्म। क्या बचा भाई? ए प्लस का कैपिटल ए, नहीं ना माइनस, बराबर 100। इसको एक मान लो, क्या निष्कर्ष निकला इसका? मतलब श्रेणी के 100 पदों का अंतर 100 है, और श्रेणी के प्रथम पदों का अंतर भी कितना आ रहा है? ये पहली श्रेणी का प्रथम पद है, ये दूसरी श्रेणी का प्रथम पद है, तो इसका मतलब तो ये निष्कर्ष पे पहुंच गए कि भाई दोनों श्रेणियों के प्रथम पदों का अंतर भी 100 ही है, ठीक है ना, और उनके 100 पदों का अंतर भी 100 ही है। अब पूछ क्या रहा है? 1000वें पदों का पूछ रहा है ना, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? 1000वें पदों का, मतलब ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, यही तो ज्ञात करना है ना आपको। 1000वें पदों का अंतर, पहली श्रेणी का 1000 पद मतलब ए 1000, दूसरी श्रेणी का कैपिटल ए 1000, दोनों का अंतर ज्ञात करना है, मतलब माइनस। अब मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे आप? ए प्लस का 999 डी माइनस, इसको क्या लिखूं? कैपिटल ए प्लस 999। अब मैंने ये सही लिखा है क्या? नहीं, क्या करना चाहिए मुझे? ब्रैकेट लगाना चाहिए। देखो अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये जो माइनस है सिर्फ ए के आगे ही दिख रहा है, जबकि ये माइनस तो पूरे पूरे पद के आगे है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ए प्लस का 999 डी, माइनस को वैसे ही से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का कैपिटल है माइनस प्लस माइनस 999 डी, कट रहा है, क्या बच गया? ए, यही बचा ना। अब इसका मान पहले हम निकाल चुके, देखो ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना आया, वहां रख दो। समीकरण एक से मान रखने पर, ठीक है ना भाई, तो कितना आया भाई बताना जरा? a माइनस ए बराबर 100, यही आंसर हो गए, यानी 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया? 100 आ गया, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो पूरी तरह कंप्लीट मैंने अच्छे से समझाया है, ये ब्रैकेट और माइनस वगैरह का ये जो छोटी मिस्टेक है इनको आप ध्यान रखना, पूरा सवाल चेंज हो जाएगा अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो, ठीक है ना। आ गया समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो ठीक है, उतारो, थैंक यू। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।